नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज। एक बड़ी खबर महाराजगंज जनपद से, जहां पे पुरैना और निचलौल मार्ग का जो चौड़ीकरण का कार्य है वो नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आरकेसी कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। जब हम वहां के इंजीनियर हरीश कुमार त्रिपाठी से बात की तो उनका बेतुका बयान आया सामने, देखिए ये रिपोर्ट। त्रिपाठी जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके प्लांट के ठीक जो है 10% की दूरी पे इतने अधिक धूल धक्कर उड़ रहे हैं कि लोगों को आना जाना जो है बहुत दुश्वार हो गया है। यहाँ तक जो आप खुद खड़े हैं, आप जो है किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, कभी भी कोई घटना घट सकती है। आपने इसके बारे में जो है आपने क्या जो है जनता के हित के लिए आपने क्या काम किया? जनता के हित के लिए हमारा पानी डल रहा है। जहाँ तक बात रही कि अभी आप जाने पर धूल उड़ रहा था तो लंच का टाइम हुआ था, तो जो हमारे बंदे हैं वो भाई लंच भी तो करेंगे, वो लंच के टाइम पर गए हुए थे, इसकी वजह से आपको तत्काल में पानी का छिड़काव नहीं मिला। त्रिपाठी जी, आपने ये बता के आपके आने के बाद जो धूल उड़ रहे हैं, क्या हमारे आने से पहले आप धूल नहीं उड़ रहे थे? भाई रोड का काम है तो थोड़ी बहुत धूल तो होनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो धूप और धूल तो इंजीनियरों की जिंदगी में लिखा हुआ है भाई, सीधी सी बात है। इसकी वजह से धूल होना तो भाई लाजमी है। इंजीनियर जो है धूल खाने के लिए इंजीनियर जो है अपने कंपनी से पैसा लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक को जो है धूल क्यों खाए? आम पब्लिक के लिए आगे हम धूल खाते हैं। जहाँ तक क्या आपको जो है कोई संकेत देना चाहिए, आप अपने जो है चाहे वो जो है सीमेंट की बोरी क्यों ना हो, चाहे वो प्लास्टिक का जो आपने संकेत दिलाते हैं वही क्यों ना हो, क्यों ना फीला ही क्यों ना हो, क्या ऐसा कुछ आपने यहाँ पर ऐसा के दिखाया है? ये तो नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? मतलब हमने कुछ मतलब ये संकेत नहीं लगवाया जिसको हम लगवा देंगे भैया। आपकी कंपनी है कहती है नहीं करना है उसको? नहीं, कंपनी ऐसा क्यों बोली? आपकी कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है भाई जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसको फुल सेफ्टी, उसको सेफ्टी बोलते हैं हम लोग जी, तो सेफ्टी से करना चाहिए, तो सेफ्टी रिबन हमारा आ रहा है, सेफ्टी रिबन लग जाएगा। गत को धीमा कर रहे हैं या किसी तरह सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, यानी आपने ऐसा नहीं किया है? हाँ, थोड़ी सी है, बस यही कमी है और कोई कमी नहीं है। यह कमी आपके द्वारा हुई है कि आपके आरकेसी जो है कंपनी द्वारा हुआ है? नहीं, गलती हम लोगों की हुई है, क्योंकि कंपनी ने तो बोला था लेकिन अभी बोला हुआ है ट्रांसपोर्ट तेजी से आ रहा है, इसी वजह से अभी माल नहीं पहुंच पाया। क्या आ रहा है, क्या माल मंगवा रहा है? सेफ्टी रिबन। तो आप जो अभी तक कितना काम कर चुके हैं इस रोड के काम में? 2 से 3 किलोमीटर वन साइड। आपने 2 से 3 किलोमीटर आपने काम कर चुका है, लेकिन सेफ्टी रीजन यानी सेफ्टी के लिए दृष्टिकोण से आपने कोई काम नहीं किया? कहीं दिक्कत नहीं हुई एक्चुअली में, अभी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी, खास करके वो ये गाजीपुर ये बनारस साइड में जाम लगा हुआ था, जिसके पास हमारे पास गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, नहीं तो अब तक ये कहीं आपको खुदा हुआ दिखता नहीं। त्रिपाठी जी, मेरे जो है सवाल करने के लिए अगली कड़ी में यह है कि आप जो है क्या यह सोच के रखे थे कि जब कोई समस्या आएगा तभी मैं रीबन का प्रयोग करूंगा? जैसा आपने कहा कि जो है 2-3 किलोमीटर मैंने काम कर चुका है, अभी तो कोई समस्या नहीं आया है, तो आप यह क्या सोच रखा है कि जब समस्या आएगा तभी हमने काम किया है? हमारा ये जेसीबी से खोदा जाता है, उस समय कोई मतलब कोई एक हेल्पर रहता है जो बाकी देख रेख करता है, क्योंकि अगर हम हेल्पर नहीं रखेंगे, बस सेफ्टी रिबन लगा देने से अगर हमें सोचते हैं कि समस्या का हल हो गया है तो समस्या का हल हो नहीं। जिस समय आप जो है जेसीबी खुदाई करते हैं उस समय केवल आपने सुरक्षा दे दिया आम पब्लिक को, और उसके बाद तुरंत इस पे जब डंपिंग हो जाती है तो तुरंत ये ढक जाता है, फिर गड्ढे नहीं रह जाते? नहीं, अभी जो जिस विषय में मैंने बात कर रहा है वो लगभग 1.5 महीने हो गए, एक फिर गड्ढा जो है अभी जो है कुछ जगहों पर हमने जो है गिट्टी भर दिया है, कुछ जगह अभी बाकी है, लेकिन 1.5 महीने के बीच में आपको ऐसा लगा नहीं कि जो इस पर जो रिबन सेफ्टी रिबन लगाना चाहिए? 1.5 महीने तो नहीं हुए, 1 महीने ही मान लेते हैं, 1 महीने भी नहीं, लगभग हमारे ख्याल से एक हफ्ते हो गए, ये जो ट्रेंच खुदा हुआ है ये लगभग 1 हफ्ता हो गया, इससे अधिक नहीं हुआ। ये कमी जो है कोरोना को देखते हुए कमी आपको ऐसा महसूस लग रहा है कि आपकी कमी का ऐसा हुआ? कोरोना की कमी नहीं है, जो भी है थोड़ी सी ये जो किसान हड़ताल हुआ था उसके चक्कर में काफी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, जिससे माल टाइम से नहीं पहुंच पा रहा था जी। बस ये दिक्कत है, बाकी कोई यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है किसान जो है मजदूर जो भी जो है रैली कर रहे हैं उसके कारण जो ऐसा हुआ है? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट पहुंच नहीं पा रहा है, गाड़ियां सबको आने जाने में दिक्कत थी, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। आने वाले समय में अगर कोई दुर्घटना घट जाती या दुर्घटना आगे घट जाए जो है उसकी जिम्मेदारी आप कहेंगे जो कि नहीं, जो किसान रैली किया है, किसान जो है धरना प्रदर्शन किया उसका क्या है, उसकी कमी है? हमारी बात सुन लीजिए, क्या आप यही कहेंगे कि जो है कि हमारी कमी नहीं है, हमारी कंपनी कमी नहीं है, ये जो किसान जो धरना प्रदर्शन किया है उनकी कमी है, अगर वो नहीं किए होते तो ये दुर्घटना नहीं घटी होती? नहीं, ये नहीं है, ट्रांसपोर्ट भाई सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट में सबको दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन में सबको दिक्कत आती है, कभी माल टाइम से पहुंच जाता है, कभी देरी से हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी रिबन नहीं आया, जैसे सेफ्टी रिबन आएगा हम उसको लगवा देंगे। आपने मुझे जो भी